because this is the easiest of all, ठीक है, in JEE exam. तो chemistry को strong कर लो, ठीक है? Chemistry को सबसे ज़्यादा time devote करो और NCERT को like word to word you should remember the NCERT. हाँ, ठीक है. और एक दो अगर books भी हैं तुम्हारे पास वो भी कर लो. कोई book additional book follow कर रहे हो chemistry की? कौन सी? हाँ हाँ. ओके. अवस्थी. ओके ठीक है. तो हाँ मतलब इसमें इनऑर्गेनिक के तो सफिशिएंट है, ठीक है. फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डू मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, जहां से भी तुम्हें मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर दो, ठीक है. द मेन थिंग इज फॉर ऑल दीज थ्री व्हाट यू नीड टू फोकस मोस्ट अपॉन इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो अभी तो आई गेस तुम्हारी उड़ान क्लासेस वो हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी. कब शुरू होंगी फिर दोबारा? अप्रैल में. तो कितना टाइम है तुम्हारे पास? फरवरी मार्च, दो ढाई महीने हैं लाइक, है ना, ठीक है. तो अभी तक जितना भी इलेवेंथ का हुआ है बोर्ड्स के साथ साथ, अभी तुमने बोर्ड्स का पढ़ना, इसका पढ़ना शुरू कर दिया इलेवेंथ एग्जाम्स का? थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, पर आई थिंक वो इतना मैटर करेगा क्या? नहीं मैटर करेगा, ठीक है ना. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये तुम्हारे इलेवेंथ के जितने भी कर रखे तुमने टॉपिक्स, ठीक है, उन सारे के कवर कर लो अब तक. और इसकी कोई बुक ले लेना, लाइक अरिहंत की भी एक बुक आती है. हाँ, तीनों की, तीनों की सेपरेट बुक्स आती है, लाइक 38 ईयर ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चंस, ठीक है. या फिर एक सिंपलर वे क्या है कि इंटरनेट से देखो, हाँ बस लिख दो वहाँ पे कि 2016 क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस, उसको प्रिंट आउट करा के रख लो, ठीक है ना. 2015 तो ऐसे बैकवर्ड्स चलना शुरू कर दो, लाइक टू एंटी क्रोनोलॉजिकल वे में, मतलब 17 से लेके 2000 तक तो कवर कर लो एटलीस्ट, ठीक है. लाइक इफ यू सी ए क्वेश्चन ऑन टॉपिक्स ऑफ इलेवेंथ, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे जेई एग्जाम तक पहुंचने से पहले, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दो से तीन बार तुम्हारे हो जाने चाहिए, एटलीस्ट दो बार और मैक्सिमम तीन बार, ठीक है, सारे क्वेश्चंस तुम्हारे करे होने चाहिए. ओके तो इसका मतलब एक बार तो तुम अभी कर सकते हो, यू हैव लॉट ऑफ टाइम अभी तो, है ना. तो करना क्या है तुम्हें, एनसीईआरटी सबसे पहले, ठीक है, मैथ्स के केस में एनसीईआरटीज एंड एग्जेम्प्लार, ठीक है, ये तो रिडरमेंटरी है, मतलब ये तो करना ही करना है, बहुत बेसिक है, ये तो करना ही करना है, ठीक है. इसके अलावा और जो कर सकते हो वो तो तुम्हारी मतलब मेहनत पे, अब कितना करना चाहते हो वो तो एंड ही नहीं होता, ठीक है. और इस केस में भी एनसीईआरटी प्लस एग्जेम्प्लार. तो अभी के लिए ये टारगेट रखो लाइक टिल अप्रैल ये चीज पूरी कवर करके रखो. एग्जेम्प्लार करते हो तुम लोग फिजिक्स के लिए? अच्छी वर्मा करते हो, दैट्स इवन गुड, ठीक है. हाँ कौन सी? इरोडोव? इरोडोव नहीं, वो मत करो, बेटर है, बट इरोडोव इज लाइक बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें, ठीक है. एच सी वर्मा को अच्छे से कर लो, एक दो बार कर लो, ठीक है. ऐसा मत करना, मतलब आई विल रिकमेंड इफ यू आर डूइंग वन बुक, ओके, फिनिश वन बुक. ऐसा मत करना कि इफ यू आर स्टडिंग वर्क पावर एनर्जी, किस, हाँ क्वेश्चन कर सकते हो, थ्योरी एक ही काफी है. बट वंस यू आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एच सी वर्मा देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक, ठीक है. नहीं तो क्या हो जाएगा, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी चीजें. लाइक 50 में से तुमने 20 क्वेश्चन एच सी वर्मा के कर रखे हैं और फिर तुमने इरोडोव करनी शुरू कर दी, तो मतलब वो पूरा हॉचपॉच हो जाएगा. हाँ क्या? हाँ उसके बाद उसके ऊपर लेवल पे जाओ. एच सी वर्मा तक भी कैसे पहुंचना है? एनसीईआरटी कवर करने के बाद, ठीक है. तो इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी बुक्स यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ मेनी बुक्स यू स्टडी परफेक्टली, ठीक है.
तो चाहे तुमने केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को ही अच्छे से किया हुआ है दो तीन बार, जो कि तुम्हें दो तीन क्या, ये तो मतलब पांच बार ही कर लो तुम, ठीक है? हाँ, तो ये तो तुम्हें याद होनी चाहिए एक एक वर्ड उसका एनसीईआरटी का. ऑलराइट, एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ बोर्ड्स एंड जेई, ठीक है? केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं होती. रही बात फिजिक्स की, क्या हो गया ऑर्गेनिक में? अजीब तो नहीं है, इजी है ऑर्गेनिक तो. अभी तो ऑर्गेनिक शुरू ही हुई होगी जस्ट, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में मेन है, तो इलेवेंथ वाले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, ट्वेल्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये बस वही होता है, डर जाते हैं लोग पढ़ के, पर अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे तो हो जाएगा, नो बिग डील. ऑलराइट, तो ये सारे क्वेश्चंस करके रखने तुम्हें अप्रैल तक. ओके, ऑलराइट, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, इलेवेंथ सिलेबस के, ठीक है? एनसीईआरटीज प्लस एग्जाम्पलर तीनों की, ठीक है? फिजिकल केमिस्ट्री की कोई अगर तुम्हें बुक मिल रही है तो उसके न्यूमेरिकल्स करके रख लो, ठीक है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन दोनों में सफिशिएंट है अभी के लिए, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में, ठीक है? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट कर लो. मैथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. और क्या कर रहे हो, कोई बुक? मैथ्स में आर डी शर्मा कर रहे हो? नहीं कर रहे? ब्लैक बुक स्कूल से मिली है? वाइब्रेंट, ओके, ठीक है. मतलब जहाँ से भी तुम्हें मटेरियल मिल रहा है वही चीज़ है कि एक मटेरियल पकड़ो उसको करना शुरू कर दो. ऑलराइट, सो अरिहंत की बुक्स यू कैन बाय. जो बहुत ज़्यादा बल्की बुक होती हैं वो मत लेना, ठीक है? क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो पाती. तो ए दास गुप्ता तुम ले सकते हो, हाँ, मैथ्स की, ठीक है? ए दास गुप्ता में वर्जन्स, एक तो सिर्फ एमसीक्यू का वर्जन है, एक में पूरा मतलब बहुत बड़ा मोटा सा बुक है, ठीक है? वो भी ले सकते हो, बट एमसीक्यू वाला तो ले ही लो, ठीक है? या फिर आर डी शर्मा इज जस्ट फॉर बोर्ड्स, ठीक है? आर डी शर्मा आई डोंट रिकमेंड टू एनीवन, ठीक है? एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आर डी शर्मा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और सारे सेम होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, तो मतलब बोर हो जाओगे तुम करते करते, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद एक आती है पी के शर्मा, ओके, आर डी शर्मा लेनी, पी के शर्मा लेनी है. अगर कहीं से नहीं मिल रही तो ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ठीक है? और उसके बाद अगर तुम्हें बहुत एडवांस में जाना है, एमएल खन्ना, ठीक है? तो ये मैं सिर्फ मैथ स्पेसिफिक बता रहा हूँ, बाकी सब बुक्स तुम वहां से पूछ लेना अपने उनसे. बट बाकी सब दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ये चीजें तो मैंडेटोरी है. ऑलराइट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो वो है, जरूरी है. सो फॉर मैथ्स वन ऑफ द बुक विच यू कैन बाय इज ए दास गुप्ता, ओके? तो इसमें दो वर्जन आते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड वन इज पूरा प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स इस नाम का, ठीक है? तो ये वाला ले लेना, ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव वाला. और सेकंड बुक इट विल बी पी के शर्मा, दिस इज लाइक 250-300 की बुक आ जाएगी ये, ठीक है? एंड व्हाट हैपेंस इन दिस बुक इज यू हैव लाइक 75 क्वेश्चंस ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है? 75 क्वेश्चंस होते हैं, लाइक 25 ऑफ लेवल 1, 25 ऑफ लेवल 2, 25 ऑफ लेवल 3. तो लेवल 1 जेई मेंस, उसके बाद जेई एडवांस और ऐसे, ठीक है? तो दिस बुक इज हाईली रिकमेंडेड. उसके बाद अगर तुम्हें और ऊपर जाना है तो एमएल खन्ना, ठीक है? ये बहुत ही मतलब एडवांस के लिए, और तुम्हें अगर सब्जेक्टिव नॉलेज भी चाहिए मैथमेटिक्स की, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एम्पल टाइम है तो एमएल खन्ना कर लो, ठीक है? एंड आफ्टर दैट यू हैव सप्लीमेंट्री बुक्स, लाइक जो भी बोल रहे थे तुम लोग, एसएलओनी, हाँ जी,
ट्रिगो वाली मत लेना, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली एसएल लोनी, ठीक है, और अगर तुम्हें एलजेब्रा भी थोड़ा पढ़ना है तो उसके लिए हॉल एंड नाइट करके आती है एक बुक, एलजेब्रा एंड कैलकुलस के लिए आई ए मैरोन, ठीक है। सो दीज आर लाइक सप्लीमेंट्री बुक्स, ठीक है, मतलब ओनली इफ की यू वॉन्ट टू स्ट्रेंथन योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है उसे, तब ये वाली खरीद लो, ठीक है, बाकी ये वाली सारी बुक्स सफिशेंट है, ठीक है। और सबसे ऊपर ये वाली 38 ईयर, हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये अरिहंत की ले लो, बेटर है, ठीक है। अगर ये नहीं भी लेनी है तो वही वाला तरीका जो मैंने बताया, प्रिंट आउट निकालने शुरू कर दो, हाँ, ठीक है, लाइक सारे कोचिंग्स के तुम्हारे पास सॉल्यूशंस होते ही आजकल इंटरनेट पे, ठीक है, तुम अगर गूगल से भी और स्मार्टफोन से डाउनलोड कर लोगे तो तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो चीज़ भी कर सकते हो तुम, या तो पीडीएफ्स डाउनलोड कर लो इसके, ठीक है, और ये सारी बुक्स हैं, ऑलराइट, तो एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर तो है ये, ऑलराइट, तो अप्रैल तक तुम अपना 11th का सिलेबस थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखो, ठीक है, नोट्स सब ने बनाए शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है, तो ये सब करके रखो, फिर उसके बाद मिलते हैं, राइट, उसके बाद चेक करते हैं। कोई डाउट्स? श्योर हैं पर लाए नहीं, आज तो आखिरी क्लास थी, आज तो ले आने चाहिए थे। क्या लिखा है? सर प्लीज गिव द नेम ऑफ द बुक्स विच आर हेल्पफुल इन बोथ 12th बोर्ड एज वेल एज JEE फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, दीज आर जस्ट फॉर JEE, ओके, JEE मेन्स एंड एडवांस, ओके। अगर तुम्हें बोर्ड्स का देखना है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो हो ही गई, ठीक है, और एक तुम्हारे पास आई गेस वो आती हैं फॉर प्रीवियस ईयर्स सीबीएसई पेपर्स, लाइक प्रीवियस ईयर 2000 से लेके अब तक जितने भी पेपर्स आए हैं, ठीक है, उन सबके जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसमें मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, तो ये वाली चीज ले लेना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड्स में, तो बहुत ज़्यादा, लाइक तुम्हारा 50% से 60% तक पेपर 2000 से लेके 2018 के बीच में आ जाएगा, समझ रहे हो, तो मतलब 50% पेपर तुम्हारा इसी से कवर हो जाएगा, अगर तुमने ऐसी कोई बुक ले ली है जिसमें ये सारे मतलब 20 साल के पिछले या 10 साल के पेपर्स हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर तुम्हें और करना है तो आई डोंट नो, आर एस अग्रवाल कर लो, आर डी शर्मा कर लो, ठीक है, मतलब ये थोड़ा मुझे टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं बिना बात पे। आई थिंक अगर एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर अच्छे से कर लोगे तुम, आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम इन बोर्ड्स, ऑलराइट, इफ़ यू हैव दिस थिंग ऑन टिप्स, नहीं तो ये वाली चीज़ कर लो, उसके बाद आजकल तो बहुत सारी आ गई हैं ABC, ये वो, क्या वो भी तो आ रही है, ऐसी कुछ ABC पब्लिकेशन की कोई बुक्स आती हैं बोर्ड्स के लिए, तीनों के लिए आती है आई गेस, तो वो सब ले सकते हो, बाकी ये बहुत है, एनफ है, मोर देन एनफ, ऑलराइट। तो मेन दिक्कत कहाँ पे आती है? व्हेन यू स्प्लिट द टाइम बिटवीन बोर्ड्स एंड JEE, ठीक है ना, तो JEE में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि तुम कितना रेगुलर हो अपनी स्टडी में, ठीक है, और गैप्स तुम्हारे कितने मिनिमम हैं,
ठीक है, अगर तुमने ऐसा कर दिया कि तुम्हारे अभी एग्ज़ाम्स हैं 11th क्लास के और तुमने 20 दिन तक पढ़ाई छोड़ दी जेई की करनी, ठीक है, तो दैट इज़ वेरी बैड. मतलब करते रहो, कुछ कुछ करते रहो, लाइक 2 hours, 3 hours मिनिमम, गिव दैट मच टाइम एंड कीप ऑन स्टडिंग दैट जेई एज वेल. ऑलराइट, बट बी रेगुलर इन जेई, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एंड ऐसा नहीं करना है कि केमिस्ट्री हमें बहुत पसंद है या फिजिक्स बहुत पसंद है तो वही करते रहना है पूरा टाइम, एक महीना यही करते होगे तुम लोग, श्योर? ठीक है, तो मतलब गिव टाइम टू ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इक्वली. ओके, ऑलराइट, ठीक है. एनी अदर डाउट्स प्रिपरेशन वाइज, कुछ और पूछना हो? किस चीज की स्ट्रेटजी? पढ़ने की स्ट्रेटजी. चलो ठीक है, अभी अभी 1 साल है इनके पास, तो चलो ठीक है. तो हाँ, ये तो है. तो स्ट्रेटजी ये है, लाइक इफ यू गो टू स्कूल्स, ठीक है, तो अब पूरा बताऊँ कि कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है तुम्हें? तो टाइम तो तुम्हें पता ही है. लाइक इफ यू हैव लाइक 6 hours ऑफ स्टडिंग स्टडिंग, ठीक है, तो अभी तो जैसे तुम्हारा बहुत सारा टाइम वो होगा, मतलब अप्रैल के बाद तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम होगा बोर्ड्स तक, तो मतलब समझ रहे हो ना. तो 5 hours फॉर जेई एंड 1 hour फॉर बोर्ड्स, लाइक दिस. इस रेशो को थोड़ा कम करते जाना, ठीक है, जैसे 4 hours फॉर जेई एंड 2 hours फॉर बोर्ड्स, ठीक है. तो लाइक फर्स्ट क्वार्टर में लाइक तुम अप्रैल से लेट से जून तक ये वाला स्ट्रेटजी करो, ठीक है, उसके बाद 4-2 करना शुरू कर दो, उसके बाद 3-3 करना शुरू कर दो, ठीक है, पर इससे कम ना ही करना, राइट. और अगर तुम नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा सकते हो तो दैट्स इवन बेटर, ठीक है, बट ट्राई टू गिव फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन द टाइम यू आर स्टडिंग, ठीक है. इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 4 hours, तो ये नहीं कि बीच में कुछ मतलब टीवी देख लिया या फ़ोन चला लिया, ये वो चीज़ें नहीं करनी है, समझ रहे हो, ठीक है. तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो उस टाइम पे, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, एंड जो बोर्ड्स के टाइम पे तुम पढ़ोगे ना, मतलब बोर्ड्स की प्रिपरेशन के टाइम पे इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर जेई, दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट. जो लास्ट वाला जो महीना होगा तुम्हारा नेक्स्ट मार्च में 2019 में, उस टाइम पे यू विल हैव टू स्टडी फॉर जेई एज वेल, बिकॉज अगर उस टाइम पे तुम पढ़ना छोड़ दोगे एंड आफ्टर दैट यू विल जस्ट हैव 10 to 15 days, ठीक है, उस इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर आफ्टर दैट. ऑलराइट, सो बी कंसिस्टेंट इन स्टडिंग. ऑलराइट, एंड नंबर ऑफ आवर्स चाहे तुम्हारे कम ही हो, पर बहुत फोकस लगा के पढ़ना है उन आवर्स में, चाहे 4 घंटे पढ़ो, फोकस करके पढ़ो. ऑलराइट, क्लियर है? ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट.